dear friends from all sections. Hello friends, आपको सबसे पहले सॉरी फॉर कॉलिंग यू सच अ शॉर्ट नोटिस. बहुत छोटा नोटिस में वी आर कॉलिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ रिएक्शन ऑन व्हाट द आईपीएफटी हैज डन जस्ट नाउ. एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज मैं सच में मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं अपने तरफ से हर तरीके से लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका पार्टी नहीं देखकर लेकिन कोरोना के सिचुएशन देखकर. जो लोग पंजाब में फंसे हुए हैं, जो बेंगलोर में हैं, जो शिलोंग में हैं, जो गुवाहाटी में हैं, जो हैदराबाद में हैं, कलकत्ते में हैं, उन सबको लाने के लिए हम अपने पैसे से, अपने पॉकेट से, गवर्नमेंट मनी नहीं, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके कोरोना के टाइम उनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ थे उनको हेल्प करने के लिए हम उनको वापस त्रिपुरा ला रहे हैं. और यहाँ में एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो प्रशासन में है, वो कोरोना के टाइम प्रोग्राम्स कर रही है और अब उन्होंने कोरोना के टाइम स्ट्राइक भी बुलाया है. आई डोंट नो ये कहाँ से उनको ये ज्ञान या बुद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन मैंने उनके बहुत एमएलए से बात किया है, वो भी नहीं जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि रूलिंग जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उनको भी मालूम नहीं क्या हो रहा है. पब्लिक में रिएक्शन देंगे, कभी मुझे ब्लेम करेंगे, कभी सीपीएम को ब्लेम करेंगे, कभी बीजेपी को खुद ब्लेम करेंगे और बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस राज्य में. पब्लिक सब जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और आप ही की सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है. आज जो हमें सिक्योरिटी भी दिया जाता है ईएम्स को, सीएम्स को, एमडीसीस को, ये जो सिक्योरिटी दिया जाता है ये हम अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को. हमें भी सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट ही करता है. तो इस कोरोना के टाइम में अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आपने देखा जो आज हुआ, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने खुद वो जो आदमी ने गुंडागर्दी की उसको मैंने पकड़ के पुलिस के सामने रखा, मैंने उसको पार्टी से सामने सामने सस्पेंड किया. मैं अपनी तरफ से पूरा तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना के टाइम राजनीति नहीं होना चाहिए, जो लोग फंसे हैं उनको हेल्प होना चाहिए, जिसको कष्ट मुश्किल है उसको हेल्प होना चाहिए. लेकिन यहाँ में इनको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है. तो मैं अपील करता हूँ, क्योंकि वहाँ में 8 MLA हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 8 MLA के संग किसी के संग बात हुआ है. मैं अपील करता हूँ कि इस टाइम हम लोग आइए आमने सामने बैठकर बात करते हैं, लेकिन इस टाइम पब्लिक को आप कष्ट देकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं और हमारा पूरा स्टेट का आप नाक काट रहे हैं, हमको शर्म लगता है. अरे आप देखिए ना, देखिए मैं मेवार के बारे में क्या बोलूँ, उनका MLA ने FIR फाइल किया एक आदमी के खिलाफ. जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो आदमी था, मैंने खुद अपने लोगों को बोला उसको पकड़ के लेके आओ और मैंने पुलिस स्टेशन में उसको सरेंडर कराया. मैंने किसी हवा से तो आदमी को लेके नहीं आया, उनका MLA ने बोला था ये आदमी है और इसी के लिए मैं उसको लेके आया. और दूसरा बात, ये जो आदमी आया है वो भी उसी के पार्टी से 1.5 महीने पहले आया है. हमारे पार्टी में कोई पोस्ट नहीं होल्ड करता, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, एक टाइम सब CPM थे, एक टाइम सब IPFT BJP हुए, आज बहुत लोग त्रिपुरा मौथा में है, कल और एक टाइम कहीं और जा सकते हैं. आदमी तो वही है ना, हम तो कहीं नई है, नया बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे ना, कहीं नया से तो हवा से तो आदमी लेके नहीं आ रहे. ये कल्चर प्रॉब्लम है. लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा है, आप मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है, आपके कैबिनेट कुलीग के अंदर है. इस टाइम आप अपने कैबिनेट कुलीग से बात करके आप एक बार BJP से सवाल पूछ लीजिए. मैं आपको 100% गारंटी देके बोलता हूँ कि BJP ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा है. 100% मैं बोल सकता हूँ कि ये स्ट्राइक को कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अभी कोरोना एक बड़ा इशू है.
तो ये स्ट्राइक करके वो क्या प्रूव करना चाहता है? मैं रेडी हूं, आप कल आइए मुझसे मिलिए, मैं उनके घर में जाने के लिए तैयार हूं, हम पीस मीटिंग करते हैं। मैंने तो जब जब मेरे ऊपर अटैक किया था मिनिस्टर को, और मैं अभी भी आपके थ्रू अपील करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी बहुत बार काला झंडा दिखाया गया, हमारे ईएम के ऊपर भी बहुत बार अटैक किया गया। मुझे क्लियरली याद है मैंने जितेंद्र चौधरी से बात किया था जब उसके ऊपर ओमपी में अटैक हुआ। ये पॉलिटिक्स जो वायलेंस का है ये आज नहीं शुरू हुआ है और वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया है और मैं एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, दो कदम मैं आगे चल रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है दो कदम आगे नहीं चल के आने के लिए? आप लोग तिपरा लैंड बोलते हैं, तो मैं तिपरासा नहीं हूँ, जितेंद्र चौधरी तिपरासा नहीं है, रामपद जमतिया तिपरासा नहीं है, हमारा पूर्ण जमतिया तिपरासा नहीं है, कमल कोलाई विजय रामपद तिपरासा नहीं है। ये बात को आप पब्लिक को कष्ट क्यों दे रहे? ये तो नेता लोगों का प्रॉब्लम है, आप पब्लिक को क्यों कष्ट दे रहे? और इसी के लिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आज ना कोई जब आके बोलता कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो हमको शर्म लगता है, क्योंकि पब्लिक हम लोगों को विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि हमको हमेशा नेतागिरी और शोमैनशिप करना। मैं अपील करता हूँ प्लीज़ मीडिया के थ्रू, मीडिया से भी बहुत लोग कोरोना में मरे हैं, डॉक्टर से बहुत लोग मरे हैं, हमारे गांव में सिचुएशन ख़राब हो सकता है। इस टाइम जो दिन का 100 रुपये कमाता है, दिन का 150 रुपये कमाता है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको कितना मुश्किल होगा। तो प्लीज़ इस टाइम ये करोना जात को नहीं देखता, ये करोना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को नहीं देखता है, ये करोना सबको लग सकता है। इस टाइम तो प्लीज़ पूरा इंडिया में हमने सस्पेंड कर दिया है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, आप भी इसको रिकंसिडर कीजिए। थैंक यू। जब पहले से लोग कष्ट में हैं, पहले से रोज़गार बंद है, पहले से आदमी को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उस समय पॉलिटिक्स नहीं करें और ये स्ट्राइक को विड्रॉ करें। ये स्ट्राइक लाकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपने इलेक्शन फाइट किया है, इलेक्शन का रिजल्ट सामने है, अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, अभी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। त्रिपुरा में कोरोना का सिचुएशन ख़राब है और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं एज पीपल ऑफ त्रिपुरा टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना एंड ऑल्सो टू हेल्प पीपल जो सफ़र कर रहे हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। लेकिन इस समय अगर आप स्ट्राइक कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, लोग हमारे राज्य के ऊपर हंसेंगे। और मैंने और एक स्टेटमेंट सुना है सिटिंग मिनिस्टर से कि देर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट। द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज द होम मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जाकर ये बात चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन जब कितने लीडर के ऊपर अटैक हुआ, कोई IPST से सस्पेंड हुआ, जब हताई कतौर में 12 दिन ये जो न्यू कल्चर लाया आप रोड ब्लॉकेट करके, ये किसने शुरू किया? आज मैंने तो एटलीस्ट कोशिश किया है कि मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, आज तक NC देवबर्मा में पुलिस स्टेशन आकर मेरा हालचाल पूछा है या किसी और का हालचाल पूछा है? मैं तो खुद गया ना एज अ चेयरमैन, मैं खुद गया, मैं खुद पकड़ के लेके आया। एक आदमी कोशिश कर रहा है, मैं तो अपने पॉकेट से, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं, जो बैंगलोर से आ रहे हैं, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने IPFT BJP CPM को वोट किया था, मैं तो अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूँ। जब मानिक कोर्ट में रेड हुआ मैंने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि फोकस कोरोना में है, अगर मानिक कोर्ट के बारे हमने बात किया तो बात इधर का उधर जाएगा, मुझे कोरोना से फोकस हटाना नहीं है। इन लोगों को परवाह है, ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, मैं जानता हूँ कि मेरा भी ये पावर भी है पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, लेकिन इस कोरोना के टाइम अगर मैंने राजनीति नहीं किया और मैंने लोगों के बारे सोचा तो कुछ भला होगा। तो उसको पहला अपना होमवर्क करने दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से नाखुश है तो आप अपने सरकार से बात कीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो स्ट्राइक है उनके
सहयोगी पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि बीजेपी ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये टाइम हड़ताल का है ही नहीं, ये टाइम